हेलो फ्रेंड, हमारे पास 840G6 का लैपटॉप आया है। इस लैपटॉप में HP Infinix का एरर है। इसे एक बार चालू करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। HP Infinix सिक्योरिटी कंट्रोल प्रॉब्लम का एरर है। इसे ठीक करना है। इसे ठीक करने के लिए हमें BIOS प्रोग्राम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये BIOS चिप है, इसे हम निकालेंगे और प्रोग्राम करके दूसरा BIOS इस पर प्रोग्राम करेंगे। उसके बाद फिर इसको बोर्ड में लगा के इसका डिस्प्ले चेक करेंगे। तो सबसे पहले इस चिप को निकाल लेते हैं, मदरबोर्ड से ओपन कर देंगे। इसे इस BIOS सॉकेट में लगा के प्रोग्राम करेंगे। अभी इसमें एक हमारे पास दूसरा BIOS है जिसमें HP Infinix का एरर नहीं है, तो वो BIOS इसमें प्रोग्राम कर दिया हूँ। यहाँ पे BIOS चिप को लगाएंगे और उसके बाद फिर थोड़ा क्लीन करके, क्योंकि पेस्ट लगा रहता है तो थोड़ा क्लीन करना पड़ता है लिक्विड से। तो अभी हम इसे क्लीन करने के बाद लैपटॉप को चालू करते हैं। भी पावर में लगा दिया हूँ। यहाँ पर लोड भी ले रहा है 0.03 का। चालू करने के बाद अभी चालू भी हो गया, लोड ले रहा है और डिस्प्ले भी आ जाना चाहिए। डिस्प्ले आ गया है और ये डायरेक्ट विंडोज में जा रहा है। अभी HP Infinix का एरर नहीं आ रहा है। पहले कैसा था, पहले HP Infinix का एरर आता था, उसको इंटर मारने के बाद ही विंडोज में जाता था। तो अभी जो प्रॉब्लम है वो हमारा सॉल्व हो चुका है। ये BIOS का इशू था। तो अभी हमारा ये BIOS करने के बाद डायरेक्टली विंडोज में जा रहा है, कोई एरर नहीं आ रहा है हमारा।